दोस्तों अगर आप अपना फोन पे में अपना फोन पे अकाउंट बना चुके हैं और दोस्तों अगर आप अपना फोन पे का जो वॉलेट है अपना एक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि दोस्तों जैसे कि अगर आप अपना डेबिट कार्ड चलाते हैं या फिर दोस्तों आप अपना क्रेडिट कार्ड चलाते हैं तो क्रेडिट कार्ड का पैसा आप अपने वॉलेट में यूज कर सकें, या फिर दोस्तों अगर कहीं भी आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे कि आप जैसे छोटे मोटे आप ट्रांजेक्शन करते हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो चीज़ आपको बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा शो करता है। उससे बचने के लिए दोस्तों अगर आप अपना वॉलेट एक्टिवेट करना चाहते हैं और उसमें कैसे पैसा ऐड करना है और उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह भी कैसे करना है सब कुछ ए टू जेड इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम चलिए शुरू करते हैं। आपको अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है फोन पे वॉलेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों इस तरीके का मैसेज मिलेगा, यहाँ पे देखिए बैलेंस बता रहा है 0 है और यहाँ पे एक्टिवेट योर वॉलेट का ऑप्शन बता रहा है कि यहाँ पे आपका जो बता रहा है कि योर वॉलेट हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, यहाँ पे इस तरीके का मैसेज मिल रहा है। तो कैसे एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP आपको ऑटो रीडिंग से हो जाएगा, रीड कर लेगा आपको। देखिए यहाँ पे ऑटो रीड कर रहा है, यहाँ पे हमारा OTP आ गया है मोबाइल पे, इस तरीके से आपको जो OTP वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। अगर OTP वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ऑटो रीडिंग नहीं हो पा रहा है तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना OTP हमारा देखिए आ गया है 23259, मैंने अपना OTP डाल दिया, इस तरीके से आपको भी डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों आप अपना जो वॉलेट में पैसा ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट ऑटो टॉपअप पे अगर कर देते हैं तो दोस्तों हमेशा जब भी आप जैसे मान लीजिए एक सीमा ली, अगर आपने जो सीमित मतलब सेट कर दिया कि 10 रुपये से नीचे आपका वॉलेट में बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो हमेशा जब भी 10 रुपये से नीचे होगा तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। और दोस्तों वॉलेट में कैसे पैसा ऐड किया जाता है उसका भी तरीका मैं लगे हाथ बता देता हूं कैसे आप अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे जैसे आपको कोई अमाउंट अपना ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपना यहां पे 50 रुपये मान लीजिए हम ऐड करते हैं, 50 रुपये हमने अपने जो है फोन पे वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे प्रोसीड टू टॉप अप पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से दोस्तों आपको देखिए सेट ऑटो टॉप अप का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू टू टॉप अप, अगर दोस्तों ऑटो टॉप अप पे आप कर देते हैं तो जब भी आपका जो है हमेशा जैसे आपके वॉलेट में पैसा कम होंगे तो आपके जो वॉलेट में हमेशा जो है आपके बैंक अकाउंट से हमेशा ऑटोमेटिक मतलब वॉलेट में ऐड होते रहेंगे, तो हमें अब वो चीज़ नहीं चाहिए तो हम कंटिन्यू टू टॉप अप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से UPI पिन आपको डालना पड़ेगा, यहाँ से अपना जो भी अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे वाले बटन पे आपको यहाँ पे से वाले बटन पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपको जो UPI पिन अपना डालना होगा, जो भी आपका UPI पिन है वो अपना UPI पिन डाल लेंगे। तो दोस्तों मैंने अपना UPI पिन डाल लिया है, अब यहाँ से दोस्तों आपको कंटिन्यू OK वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से दोस्तों आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद से आपके देखिए योर पेमेंट ऑफ 50 वॉलेट टॉप अप सक्सेसफुल इस तरीके का मैसेज मिलेगा। और यहाँ से अगर आप बैलेंस आप चेक करना चाहते हैं, जैसे चेक करने के लिए दोस्तों UPI पिन का जो मैंने UPI से पेमेंट किया है उसका बता रहा है, अगर आप अपना वॉलेट का अपना देखना चाहते हैं बैलेंस कैसे चेक करना है तो यहाँ पर डन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों अब देखिए आपके जो है वॉलेट में 50 रुपये ऐड हो गए, जो कि पहले हमारा 0 था, अब लेकिन 50 रुपये हमने ऐड किया तो हमारे वॉलेट में 50 रुपये ऐड हो गए। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट तरीका जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपना वॉलेट एक्टिवेट करेंगे और अपने वॉलेट में कैसे पैसे ऐड करेंगे, उसका पूरा कंप्लीट तरीका मैंने बताया दोस्तों। अगर आपको वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।